नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। पंजाब विधानसभा चुनावों के बिगुल बजते ही सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पंजाब में चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है, लिहाजा कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीट से मैदान में उतारने की तैयारी की है। वहीं चुनाव से पहले सत्ताधारी दल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कंगा और उनके बेटे यदुवीन्द्र सिंह कंगा, अमरेंद्र सिंह कंगा कांग्रेस से अलग होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपनी पार्टी में एंट्री दी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा भी मौजूद थे। दरअसल केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कंगा और उनके बेटे का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में हम ही जीतेंगे। वहीं जगमोहन सिंह कंगा बोले कि हम आम आदमी पार्टी में शामिल होकर बहुत खुश हैं, हम पंजाबियों के हित में काम करते रहेंगे। केजरीवाल जी की पार्टी आम जन के हित में बड़े बड़े जरूरी काम कर चुकी है, हमें भी इसके लिए सेवा का मौका मिलेगा। वहीं कांग्रेसी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराकर केजरीवाल सोशल मीडिया पर निशाने पर आ गए हैं। दरअसल अमृतसर में एक दिन खुद केजरीवाल ने कांग्रेसियों को कचरा कहा था। केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेसी हमारे साथ आने को बेताब हैं, लेकिन हम कचरा लेना नहीं चाहते। आज उनका बयान लोगों ने शेयर किया। इस बयान को आम आदमी पार्टी ने भी कोट किया था। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। बन रही वन इंडिया हिंदी के साथ।